हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी EPS 25 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यतः चार टॉपिकों के ऊपर जो EPS 25 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानने वाले हैं कि EPS 25 पेंशन धारक क्यों सबसे ज़्यादा चिंतित है, किसके बारे में बोल रहे हैं कि 6 दिन निकल चुका है। दूसरे नंबर पर है विकल्प फार्म भरने के लिए या विकल्प फॉर्म पर एक विशेष निवेदन राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से किया गया है, जिसमें EPS 25 पेंशन धारकों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है। वो क्या निवेदन था और क्या क्या उसमें शर्तें रखी गई हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो तीसरे नंबर पे है, जिन पेंशन राशि, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन राशि वसूली की जा रही है, जिसका फोटो भी आप लोगों को भी मालूम होगा, उससे भी हम लोग आपके साथ में कुछ डिस्कस करेंगे। और चौथे नंबर पे एक बहुत ही मतलब कि इस प्रकार से संवेदनशील जो तो खबर आई है सामने, जिसे सुनने के बाद खुद मैं हतप्रभ हो गया कि पेंशन न मिलने या पेंशन कम मिलने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले 6 दिन के लिए जो EPS 25 पेंशन धारक हैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, 6 दिन निकल गया से क्या संबंध है, क्या तात्पर्य है, उसके ऊपर हम लोग बताएंगे। देखिए, अभी हाल ही में EPFO की तरफ से एक सर्कुलर आया था, जिस सर्कुलर में EPS 25 पेंशन धारकों के लिए एक निश्चित समय दिया गया था, जो निश्चित समय है कि EPS 25 पेंशन धारक इतने दिन तक ही अपना ऑप्शन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो लिंक ओपन होनी चाहिए, जिस लिंक के माध्यम से सबमिट किया जाना चाहिए था, वो लिंक ओपन नहीं हो रही है और वो 6 दिन निकल चुका है लिंक ओपन नहीं, और आगामी जो 4 तारीख है उसी तक जो तो लास्ट डेट है, जिसके वजह से EPS 25 पेंशन धारक काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि हमारा लिंक ओपन नहीं हो रहा है और मैं सबमिट कब कर पाऊँगा, अगर सबमिट नहीं होगा तो मैं उच्च पेंशन या हायर पेंशन की राशि से वंचित हो जाऊँगा। इसे किया गया। दूसरा है विकल्प फार्म पर विशेष निवेदन। जब माननीय कमांडर अशोक रावत जी तक ये जानकारी पहुंची तो माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने EPS 25 पेंशन धारकों को दो चीज़ों को लेके बात कही। सबसे पहले तो 7 अपने जो प्रमुख टॉपिक थे उन टॉपिकों को रखा कि EPS 25 पेंशन धारकों को इन इन श्रेणियों में लेके आना है। और दूसरे नंबर के टॉपिक जो महत्वपूर्ण बात थी, दिल्ली में मीटिंग जो हुई थी, उसी मीटिंग में जो EPFO कमिश्नर ऑफिस और साथ ही साथ में जो EPFO के वरिष्ठ अधिकारी, जो वहाँ से पेंशन की राशि रिलीज होती है, उनके माध्यम से EPS 25 पेंशन धारकों के पक्ष में बात कही गई थी। उस पक्ष की बात को उन्होंने हवाला दिया कि आप तो इतनी सारी बातें बोले थे, इसके बावजूद भी बहुत सारे EPS 25 पेंशन धारक वंचित रह जा रहे हैं, तो क्यों वंचित रह जा रहे हैं, आप जो तो इस पर एक्शन दें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो का थंबनेल ये है, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। कल के डेट में ही मैं वीडियो बनाया था, कल के डेट में इसके ऊपर दो दो वीडियो मैं बनाया था, दोनों वीडियो पे बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया हमारे कल के वीडियो में। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की बातें आती हैं विकल्प फॉर्म को लेकर, तो यहाँ पे माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने 25/2/2023 को ही मेल के माध्यम से बता दिया है। और जो तो यह भी सुनने में आता है कि फॉर्म में एक्सटेंशन लिया गया है, यानी कि फॉर्म की जो अवधि है उसे बढ़ा दी गई है, तकरीबन 1 महीना या 2 महीना, बहुत सारे लोग 1 महीना बोलते हैं, बहुत सारे लोग 2 महीना बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के माध्यम से यह भी जानकारी निकल के आती है कि अभी अवधि नहीं बढ़ी है। EPFO का सर्कुलर अभी मुझ तक नहीं पहुंच पाया है, मैंने अभी देखा नहीं है, अगर एक बार देख लूंगा तो इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि क्या वास्तव में सर्कुलर, ये जो सर्कुलर किसी भी प्रकार का ऐसा आया है जिसमें एक्सटेंशन जो तो पास हुआ हो या मतलब कि अवधि बढ़ी गई हो। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि पेंशन वसूली की बात, तो किन की पेंशन वसूली की जा रही है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग जानेंगे। तो ऐसा देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रकार की बातें सामने निकल के आती हैं, लेकिन अभी जो हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, यह पता चल रहा है कि EPS 25 पेंशन धारक जो योग्य नहीं थे हायर पेंशन के लिए, उनकी पेंशन वसूली की जा रही है। पेंशन वसूली का एक नोटिस जारी हुआ है, उनके घर में प्रॉपर तरीके से नोटिस भेजा जा रहा है, जो उच्च पेंशन की राशि से लाभान्वित हो रहे थे और जो तो उनसे पैसा वसूला जा रहा है, उसका एक जो तो मैंने एक फोटो भी देखा है जहाँ पे पहले पैसा आया है और रिकवरी करके एक होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर रिकवरी करके ऑप्शन है, रिकवरी पैसा करके उतना पैसा जो तो रिकवर भी हो गया, यानी कि उतना पैसा आया और जो तो सेम डे में उतना पैसा जो तो कट गया और चला भी गया। तो इस प्रकार से पैसा रिकवरी हो रहा है, लेकिन किसके किसके लिए है, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में कर दिया है, तो आप उस वीडियो में यह भी देख लेंगे कि जो EPS 25 पेंशन धारक हैं उनके पैसे को रिकवर न किया जाए, इस प्रकार का निवेदन भी विशेष निवेदन पत्र में जोड़ा गया है। चौथे नंबर पे एक कल की घटना है, मैं सुना, जैसे ही घटने को मैं देखा तो मैं बिल्कुल हतप्रभ रह गया। इस प्रकार के पेंशन कम मिलने के कारण
डाक विभाग के कर्मचारी हैं, रिटायर हो चुके थे, उनके पास में बहुत कम मतलब कि पेंशन राशि नहीं मिलती थी उनको, और पेंशन राशि आगे नहीं मिलेगी, इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया पेंशन न मिलने की वजह से। ये बहुत दर्दनाक और दुखद घटना है। जितने भी पेंशन धारक हैं या कोई भी हैं, अगर इसी प्रकार से पेंशन धारक एक एक करके मतलब कि इस प्रकार से ऐसा कदम उठाते रहे, तो ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने फ्यूचर और जो तो उनके परिवार के बारे में भी जरूर सोचें। मैं तो इस पर कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, इस प्रकार की ये घटना सामने निकल के आई है जो घटना। तो मैं हाथ जोड़ के जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, सबसे प्रार्थना यही करूँगा कि प्लीज़ ऐसा कदम न उठाएं, बिल्कुल न उठाएं। जो तो आप थोड़ा यकीन रखें, आपको जल्द न्याय मिलेगा। न्याय के लिए ही सब कोई लगे हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम हो, चाहे दूसरी संस्थाएं हो, चाहे और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो तमाम ईपीएस 95 पेंशनधारकों की समस्याओं को देख रही हैं और उन्हें न्याय दिलाने की बात करें, तो प्लीज़ इस प्रकार से ऐसे कदम न उठाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।